स्वागत वंदन। आज हम दशम कक्षा या संस्कृत विषय के अंतर्गत जो पाठ दिया है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेमुषी द्वितीय भागा दशम वर्गाया। आज हम पढ़ेंगे भूकंप विभीषिका यानी भूकंप की त्रासदी। संकलित ये ललित निबंध है और पाठ दशमः। क्या होता है भूकंप विभीषिका यानी जो भूकंप जब आता है तो कैसे त्रासदी होती है, कैसे हाहाकार मचती है, तो इस प्रकार आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि ये दिया है पाठ का परिचय। प्रस्तो अयम पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्य मान प्रकोपेषु अन्य अन्यत् माम भूकंपस्य विभीषिकां दोत्यति। अन्य तमाम भूकंपस्य विभीषिकां दोत्यति प्रकृतौ जायमाना आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनम संत्रास्यन्ति ताभि प्राणिनाम सुखमयम जीवनम दुखमयम संजायते। एतासु प्रमुखः सन्ति झंझावातः भूकंपनम जलोत्प्लवः अतिवृष्टः अनावृष्टिः शिलास्खलनम और भूमिदारणम ज्वालामुख स्फोटादयः। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनम विहितम यत् आपात्यकाले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्वः चेत् दारुण विभीषिकया संरक्षता भवामः। जब भूकंप आता है तो किस प्रकार का प्रलय होता है, किस प्रकार की त्रासदी होती है। जैसे कि अभी जब कुछ समय जब आया पहले भूकंप, तो कैसे कैसे भूकंप आया, कैसी स्थितियां निर्मित हुई, क्या होती है भूकंप की त्रासदी, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यह प्रस्तुत जो पाठ है हमारे वातावरण में होने वाले प्रकोपों में से एक भूकंप की त्रासदी को प्रकट करता है। किस त्रासदी को, भूकंप की। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली आपदाएं भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को क्या करती हैं, त्रस्त करती हैं, और उनके द्वारा प्राणियों का सुखमय जीवन क्या हो जाता है, दुखमय हो जाता है। इसमें प्रमुख जो है वो कौन से, तूफान, भूकंप, बाढ़, अधिक वर्षा, है ना, अधिक वर्षा, वर्षा ना होना, पहाड़ों का खसकना, भूमि का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। यहां पाठ में भूकंप के विषय में विचार किया गया है कि संकट के समय भय को त्याग कर साहस से प्रयत्न करें तो भीषण त्रासदी से संरक्षित होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक उत्तर द्विसहस्र शीष्टाब्दे 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवस पर वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीत वादी त्रयाणाम उल्लासे मग्न मासीत तदा कस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नंच जातम भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण चा कच्छ जनपदम ध्वंसावश वशेषेषु परिवर्तत भवति। भूकंपस्य केन्द्रभूतम भुज नगरम तु मृत का कीड़न का कीड़न कनामिव खंड खंडम जातम। मृतिका कीड़क मिव खंड खंडम जातम बहु विभीषिकानि भवनानि क्षणे नैव धराशयिनी जतानी। उत्खाता विद्युत पस्तंभाः विशीर्णाः ग्रह सोपान मार्गः फाल द्वय विभिक्ता भूमि।
भूमि गर्वा दुर्पपी, दुर्परी निस्तर सरंती भी, दुर्वार जलधरा भी, महाप्लव वन दृश्यम उपस्थितम, सहस्रमिता प्राणिनाम अस्तु क्षणेनेव मृता। जो प्राणी थे वो क्षण में ही क्या हो गए, खत्म हो गए, ध्वस्त भवनेशु संपीड़िता सहस्र शो अन्य हजारों सहस्त्रार्थम करुणा कर्म कृदंती, लोगों की चीख पुकार निकल गई, हा हा देव शुत छाम कंठा मृत प्रायः केंचन शिश वस्तु ईश्वर कृपा एव ध्रुव द्वित्राणी दिनानी जीवनम धरित वंता। जब भूकंप आता है तो सब जगह क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर्याकुलम चारों ओर से बेचैन, परिता व्याकुलम, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्तम क्रंदन विकल्पम चीख पुकार से व्याकुल, चीतकारेण व्याकुलम, विपन्नम विपत्तिग्रस्त मुसीबत में विपत्ति युक्तम, दारुण विविभीषिका यानी कठोर त्रास, अत्यधिक भय ने भयंकर त्रासा, ध्वंसावशेषु खंडहरों में विनाश के बाद बची हुई वस्तु में, नाशो परांतम अवशिष्टेषु मृत्तिका क्रीडन मिव मिट्टी के खिलौने के समान, मृत्तिकाया क्रीडन कम इव बहु भूमिकानी भवनानी, बहु मंजिले जो मकान है, बहवा भूमि का एशु, उत्खाता उखाड़े गए, उत्पाता विशीना बिखर गए विकीर्णा, सोपाना सीढ़ी यानी श्रेणी, फाल द्वय यानी दो खंडों में, खंड द्वय निसरंती भी निकलती हुई, निर्गच्छति भी दुर्वार, जिनको हटाना कठिन है, दुखेन निवारयन्तुं योग्यः, महा प्लवावनम यानी विशाल वाड़, जिसको जल प्लावन भी बोलते ना, महाप्लावनम सहस्त्रमिता हजारों सहस्त्रा मतलब ध्वस्त भवनेशु टूटे फूटे भवनों में, भगनेशु भवनेशु संपीड़िता दबे हुए यानी जो लोग दब चुके थे, पीड़ित थे, क्रदंती इसमें चीख पुकार कर रहे थे, कोलाहलम कुर्वन्तु इसमें देव, दुर्भाग्य दुर्भाग्य, छुप छाम कंठा भूख से दुर्बल कंठ वाले, क्षुधा छामा कंठा ये शाम ते, धारी धारितवंता यानी धारण कर पाए यानी धारणम कृतवंता। चलिए अर्थ समझेंगे, आप देखिए यहां पे दिया है सन 2001 ईस्वी में माने इस वर्ष में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब सारा ही भारत देश नाचने गाने बजाने के उल्लास में मग्न था, तभी अचानक ही जो कौन सा प्रदेश, गुजरात प्रदेश चारों ओर से बेचैन अस्त व्यस्त चीख पुकार से व्याकुल और विपत्तिग्रस्त हो गया। भूकंप की कठोर त्रासदी ने संपूर्ण ही गुजरात क्षेत्र को विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडरों में बदल दिया। भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने के समान क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुमंजिले मकान पल भर में ही क्या हो गई, धराशायी हो गई। बिजली के खंभे उखड़ गए, घरों की सीढ़ियों के रास्ते बिखर गए। भूमि दो खंडों में बट गई, भूमि के अंदर से ऊपर निकलती हुई दुर्वार यानी जिसको हटाना कठिन है, जल की धाराओं से विशाल क्या हो गया, बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही क्या हो गए, मर गए, टूटे हुए भवनों के मकानों के नीचे दबे हुए अन्य हजारों लोग क्या कर रहे थे, सहायता के लिए करुण चीख पुकार करके कर रहे थे, हाय दुर्भाग्य, भूख से दुर्बल कंठ वाले मरणासन्न कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से ही दो तीन दिन के अंदर जीवन धारण कर पाए, अर्थात दो तीन दिन तक ही जीवित रह सके। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये मासीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंप से पंचोत्तर द्विसहस्र से खीटाशाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धारया महत्वकंपनम जातम यस्मात् कारणात् लक्ष्य परि मिता जना अकाल है ना काल कवलिता पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्या पाषाणम शिला यदा संघर्षण वशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणम संस्खलनम जन्यम कंप कंप पंचनम तदेव भयावह कंपनम, जो कंपन हुआ धराया उपरित
मप या गत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुद्यपद्यते। चलिए शब्दार्थ समझिए। भैरव विभीषिका भयंकर त्रास दी, भयंकर त्रासदम धराया यानी पृथ्वी, पृथ्वी के उसमें का पृथिव्या अकाल अस्मय काल कालक वलिता मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगता कस्मात किस कारण से, कस्मात कारणात बृहत्या बड़ी बड़ी विशाल संस्खलनम स्थान से हटना विचलनम उपरित तल मप्य यागत्य यानी ऊपरी सतह पर भी आकर उपरी धन तलम धन अपि धनागत जनयति पैदा उत्पन्न करता उत्पन्नम करोति समुद्यपद्यते उत्पन्न होता है उत्पन्नम भवति। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह भयंकर त्रासदी को कच्छ के भूपंक की तरह थी। सन 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी वर्ष में भी कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का बहुत बड़ा क्या हुआ, कंपन हुआ था, जिस कारण से लाखों लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी किस कारण से कांपती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में विद्यमान बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं जब संघर्षण के कारण टूटती हैं, तब भयंकर विचलन स्थान से हटना होता है और विचलन से उत्पन्न होता है कंपन। वही भयानक कंपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी आकर बड़ा कंपन पैदा करता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार मैंने आपको यहां पर दशम वर्ग आया विषय संस्कृत के अंतर्गत जो भूकंप त्रासदी वाला पाठ है वो पढ़ाया समझाया। आप इसके अनुवादों को अच्छे से पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम और पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।